तो चैन से सोना है तो अब जाग जाइए, क्योंकि सुबह के 6 बज चुके हैं और नौकरी नहीं मिलेगी ना तो जीवन भर नींद नहीं आएगी। तो नौकरी पाना है, वर्दी उठाना है, तो एक काम जरूर कीजिए, रोज सुबह उठिए, पढ़िए, दौड़िए, भागिए और प्रयास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। ये सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप इसके काबिल बनेंगे। तो हम आपको काबिल बनाएंगे, इसमें आपका सहयोग करेंगे। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों इन सभी प्रश्नों पे, जहां पे आज हम लेकर आए हैं दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, और वो भी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का टॉपिक। तो आपको यहां से जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो लगातार देखा जा रहा है कि साल 2 साल 3 साल के भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक जीके है उसको आपको कम से कम 6 महीने का कंप्लीट करके जाना होगा। चाहे बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, या यूपीएसआई, या एनटीपीसी, या बैंक, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस क्यों सिनारियों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे, और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एक अपडेट लेकर आ रहा हूं, एक एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूं, जहां पे आप लोग भी अपना टेस्ट देंगे, जैसे कि यूट्यूब पे देते हैं वहां भी दीजिएगा। लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों को अपना स्कोर नहीं पता चल पाता है कि हम कितने सक्षम है, कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, क्या हमारा इंडिया लेवल पे हमारा जो तैयारी है वो कितना है, या स्टेट लेवल पे कितना तैयारी है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा उस एप्लीकेशन पे मौका आप लोगों को। तो 2 से 4 दिन और इंतजार कर लीजिए, हम जल्दी आपके लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। एजुकेशन की 86 के नाम से ही वो एप्लीकेशन होगा। तो खैर लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इन सब के अपडेट पे, जहां पे इसके बारे में सारा डिटेल, करीब 25 प्रश्नों का सारा डिटेल विद डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी इस क्यूज में बनिए, कितना स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का, यहाँ पर लेकर चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन कहता है कि इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे आईपीएल की, तो आईपीएल 2021 सीजन का टाइटल प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो भाई जल्दी से आंसर कर लेंगे इसको। जी हाँ, आंसर होगा इट्स अ वीवो इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वर्ष 2018 में वीवो ने 5 सालों के लिए करीब कितने रुपए का, तो 2,199 करोड़ रुपए का यह समझौता किया था आईपीएल के साथ, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के, ठीक है, ये इसका प्रायोजक खिताब जीता हुआ था दोस्तों। और वर्ष 2020 की अगर बात कर ले, ये तो 2018 में ही एक संयोजन था, वर्ष 2020 की बात कर ले तो भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो कि ड्रीम इलेवन है, आप लोग भी अवगत होंगे इस गेम से और इस एप्लीकेशन से, तो ड्रीम इलेवन जो है इसका प्रायोजक को दर्जा भी दिया गया है दोस्तों 2020 में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक पार्ट वीवो के बारे में, तो वीवो जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2009 में, इसका मुख्यालय है चाइना में, याद रखिएगा चाइनीज कंपनी है ये, ठीक है, मोबाइल की कंपनी है। और वीवो कंपनी के सीईओ कौन है अभी फिलहाल, तो शेन वी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे, आप भी उत्तर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यूएनएचआरसी दोस्तों एक एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी? दोस्तों ये है अजय मल्होत्रा, याद रखेंगे, बी उत्तर कर लीजिएगा यहां पर, अगर आप लोग भी उत्तर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, अजय मल्होत्रा जो है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले भारतीय हैं, तो फर्स्ट इंडियन है ये। जी दोस्तों यूएन के इस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जो कि यहाँ पे इनको बनाया गया है दोस्तों, अजय मल्होत्रा है दोस्तों। आपको बता दें कि 97 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी भी रह चुके हैं, यह इंडियन फॉरेन सर्विसेज कर चुके हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि वह रूस, कुवैत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, न्यूयॉर्क और रोमानिया के राजदूत भी रह चुके हैं। चलिए ध्यान रखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट है अजय मल्होत्रा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं 3 पे, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो आंसर करेंगे इट्स अ वाराणसी, वाराणसी ए इज द करेक्ट आंसर। चूंकि देखिए यहां पे तो स्टेट का नाम दे दिया गया है और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, यहाँ पे शहर के नाम ही देने थे तो क्षमा चाहेंगे उसके लिए। तो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी,
संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का ये पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय का स्थापना किए, पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी जिला प्रशासन के जो कमक्षा स्थित पहला जो है कमक्षा क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है ध्यान रखेंगे, जहाँ पर इसका सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों। अब दोस्तों सवाल बना है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आनंदी बेन पटेल। और यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, तो लखनऊ होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ये इसमें इसको बनाने में करीब 1 साल लगने वाला है, तो ये ध्यान रखें कोरोना वायरस की वजह से इसे पूरा होने में समय लग गया है, अब ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 4, ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया मित्रों? तो बिल्कुल दोस्तों ये है, देखिए INSERB ये है ये, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स जारी करता है दोस्तों वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी, शोभना कपूर, इन तीनों को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। तो आंसर हम क्या कर लेंगे, डी उपर्युक्त ऑल। आपको बता दें कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, जी हाँ दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड INSERB जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये 4 महिलाओं को जो कि वैज्ञानिकों को, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता, 2021 के लिए ये महिला उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया है इनको। अच्छा दोस्तों एक सवाल आपसे कि अभी हाल ही में विज्ञान दिवस मनाया गया, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चूंकि देखिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में 4 महिलाओं को ये उत्कृष्टता सम्मान दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जिनमें कि 15 लाख रुपए इनको अवार्ड के तौर पर दिया भी गया है, तीनों को, तीनों नहीं 4 हैं, एक रितु गुप्ता भी नाम है, डॉक्टर रितु गुप्ता याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे, फांसी की सजा पाने वाले स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी है? और ये स्टार लगा लीजिएगा, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, क्योंकि BPSC में हो सकता है कि सवाल पूछा भी जा सके। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हैंग्ड? सबनम इज द करेक्ट आंसर, ए सबनम इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की अमरोहा जिला में, अमरोहा जिला के सबनम स्वतंत्रता भारत में फांसी की सजा पाने वाली ये महिला बनी है। सबनम है दोस्तों अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, तो इसलिए इनको सजा फांसी की दी गई है, और ये पहली ऐसी महिला होंगी जिसको कि भारत में फांसी की सजा दी जा रही है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं मित्रों, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, किसे जीव जंतु कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल जियोलॉजिकल फ्रेंड अवार्ड 2021? बिल्कुल ये अवार्ड दिए हैं दोस्तों गिरिराज सिंह, किसको दिए हैं, तो मनीष सक्सेना को दिए हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ निर्देशक हैं, पशु कल्याण के क्षेत्र के अतुल्य योगदान और उत्कृष्टता सेवाओं के लिए जीव जंतु कल्याण सुरक्षा पुरस्कार ये घोषणा दिया गया है इनको। ध्यान रखिएगा दोस्तों 2021 का ट्रॉफी देकर इनको सम्मानित किया गया है, मित्र पुरस्कार, क्या तो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है इनको, मनीष सक्सेना इज द राइट आंसर। दोस्तों यह सम्मान जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को भी एक बार दिया जा चुका है, ठीक है, उच्च स्तरीय चयन समिति के द्वारा इनको दिया गया था, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे, जो स्टैटिक पार्ट बता रहा हूं उसको नोट करना जरूरी है आपको, अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिएगा, वीडियो बाद में भी देखिएगा तो कॉपी कलम लेकर बैठ कर देखिए, इसको लिखिए, क्योंकि सारी चीजें आपको लिख कर नहीं दी जा सकती है, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और आपको भी आंसर करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि हु वॉज चूजन द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में 2021 में किसे मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर चुना गया? भाई जल्दी से आंसर कर लेंगे, बहुत फेमस एक्टर है ये, तो वर्सेटाइल एक्टर के तौर पे चुना गया दोस्तों के मेनन को, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों 2021 का सम्मान किया गया इनको मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फिल्म जगत के लिए सबसे बड़ा एक ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर की तरह अवार्ड होता है ये बॉलीवुड में। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट फिल्म तानाजी को दिया गया और बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को दिया गया और बेस्ट अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों चीजें याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, तो तानाजी को, तानाजी, ठीक है याद रखेंगे, बेस्ट एक्टर किसको गया,
तो अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, ठीक है याद रखेंगे तीनों। और के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर चुना गया है। सवाल नंबर 8, चौथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? खेल जगत से भी सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए, ग्रैंड स्लैम हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया और फुटबॉल हो गया, तो ये चार ऐसे सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहां पे आंसर कर लेंगे मित्रों, नवामी ओसाका, सी इज द करेक्ट आंसर, जिनका उत्तर आ रहा बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सन 2019 और वर्ष 2020 में यूएस ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुकी हैं नवामी ओसाका। और दोस्तों, उन्होंने मेलबोर्न में भी 6-4 और 6-3 से जेनिफर ब्रेडी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। आपको बताना चाहेंगे, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है दोस्तों कैनबरा, और वहां का एक शहर है मेलबर्न, तो मेलबर्न में ये आयोजित किया गया था दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब, जिसको जीतकर ये दूसरा खिताब अपने नाम किए हैं नवोमी ओसाका, ठीक है याद रखिएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जापान से बिलोंग करती हैं। जापान की करेंसी क्या होती है? येन होती है सर। यहाँ के पीएम कौन है? तो कौन है? सुगा, याद रखिएगा, ठीक है। पूरा नाम आप लोग बताइए भाई, मैं हिंट तो करूंगा ही। यहाँ की करेंसी येन होती है और टोक्यो यहाँ की राजधानी होती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अवार्ड 2020 किसने जीता है? बिल्कुल आंसर करेंगे ऋतिक चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये रोशन नहीं है, ये ऋतिक चोपड़ा है, ऋतिका चोपड़ा है, ऋतिका है, लड़की है ये, ठीक है। आंसर बी कर लीजिएगा, हु वॉन द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020। जी हाँ दोस्तों, दीपिका चोपड़ा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज पर उनकी कहानियों को लेकर पुरस्कार दिया गया। रितिका चोपड़ा बहुत ही चर्चित रही हैं 2020 में, 2019 के इलेक्शन में भी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अवार्ड इनको दिया गया है, पत्रकारिता के लिए बेस्ट अवार्ड होता है ये दोस्तों, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो यहां से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में भी। ओके, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, इनमें 2 लाख रुपए अवार्ड दिया गया है इनको, एज अवार्ड के रूप में 2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों, एनटी रामा राव पर आधारित जीवनी एक मावरिक मसीहा किसने लिखी है? तो एनटी रामा राव को आप लोग जानते होंगे भली भांति मुझे लगता है ना। तो ये मावरिक मसीहा किसने लिखी है? तो ये लिखी है रमेश कुंडला, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। लेखक हैं ये रमेश कुंडला, इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एनटी रामा राव नाम बहुत फेमस है, ठीक है। और इनकी ही जीवनी पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है मावरिक मसीहा। दोस्तों, सवाल अगर आंध्र प्रदेश से बना है तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है लिख लीजिएगा, मैं आपसे फिर पूछूंगा, है ना। तो YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है याद रखेंगे। और यहाँ के कैपिटल सिटी 3 होती है, एक तो अमरावती है, एक तो तिरुवनंतपुरम है, और एक है दोस्तों क्रनूल, याद रखेंगे तीनों का ही नाम याद रखिएगा, सवाल मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ। और ये जो पुस्तक है दोस्तों मार्विक मसीहा, ठीक है, आपको बता दें कि राजनीतिक जीवन के ऊपर इनकी कहानी लिखी गई है। और इसका विमोचन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पुस्तक का विमोचन, फेमस पर्सनालिटी है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया। तो थोड़ा स्टैटिक पार्ट ज्यादा था यहाँ से, इसलिए रुकना पड़ा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं, किस शहर में ट्रांसजेंडर की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया? ट्रांसजेंडर यानी कि देखिए, यहाँ पे जो हिजड़ों की बात होती है ना, जो कि एक समुदाय होता है, उनकी शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया गया है, इन विच सिटी? एग्जैक्टली, उत्तर कर रहे हैं सी, हैदराबाद। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा, तेलंगाना का ये शहर होता है और ये कैपिटल सिटी होता है, जी हाँ हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे टी, यानी कि तमिल साई सौंदरराजन, सौंदरराजन लिख लीजिएगा, इनका नाम फेमस है। और यहाँ के सीएम कौन है मित्रों? तो सीएम है के चंद्रशेखर राव, ठीक याद रहेगा ना ये तीनों नाम, ये स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा मित्रों, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि देश भर में ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित माहौल और मुहैया देने के उद्देश्य से हैदराबाद शहर जो है वो ट्रांसजेंडर डेस्क का स्थापना किया है, ठीक है।
सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसने किसके नाम पर रखा गया है? बिल्कुल, देश का सबसे आफ्टर होम द कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम नेम्ड बिरसा मुंडा, जो कि कहां से जुड़ा है, तो झारखंड स्टेट से जुड़ा हुआ है नाम ये। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम आदिवासी नेता रह चुके बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सही सही बताइएगा हमें। देश के सबसे बड़े मुख्य स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि 1928 में मुंडा ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का नेतृत्व भी किया था और देश के लिए 8 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। और उड़ीसा राज्य 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भी करने जा रहा है। मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और FIH ठीक है, पुरुष हॉकी होने वाला है, इसका जो आयोजन जो मेजबानी करेगा हमारा देश भारत करने जा रहा है, और कहाँ होगा? तो उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा और राउरकेला में भी होगा। तो ठीक है दोस्तों, उड़ीसा से बात और झारखंड से बात जुड़ी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। और दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, तो याद रखिएगा। और रांची कैपिटल सिटी होती है झारखंड की और उड़ीसा का भुवनेश्वर। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं मित्रों। किस राज्य ने साल की दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा कर दी है? विच स्टेट अनाउंस द होस्टिंग द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑफ द ईयर? तो आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला चरण दोस्तों फरवरी 2020 में हुआ था, याद है ना, उसके बाद कोरोना आ गया था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो कैपिटल सिटी भुवनेश्वर, उड़ीसा का कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, वहां हुआ था ये। और आपको बता दें कि इस खेलों का आयोजन भारतीय यूनिवर्सिटी संघ के साथ भागीदारी करके बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य स्थलों पर भी कराए गए थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक राज्य ने इस साल के अंत में दूसरे जो उसका संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु होती है ना। यहाँ के CM का नाम और गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए आपका, ठीक है। सवाल नंबर 14, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महबूबा मुफ्ती, बी इज द करेक्ट आंसर। महबूबा मुफ्ती जो है अगले 3 साल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अब कार्यभार संभालेंगी, 2021 से लेकर 2024 तक ये रहेंगी इस पद पर, ठीक। ये जुड़ी हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होता है और एक श्रीनगर होता है, याद रखेंगे। यहाँ के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्चुअली होते हैं, केंद्र शासित राज्य है हमारा, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं रोज आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ और ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है आपका, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ध्यान जरूर रखिएगा। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया मित्रों? फटाफट आंसर कर लेंगे, वेयर वॉज द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल लॉन्च्ड? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर होती हैं, और भोपाल जो है कैपिटल सिटी होता है मित्रों, ठीक, याद रखिएगा। और इस उत्सव का आयोजन क्यों कराया जा रहा है? तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकेडमी को बढ़ावा देने के लिए, जी हाँ, जो कि भोपाल के माध्यम से यह किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। छतरपुर जिला है और हर साल छतरपुर जिले में खजुराहो के शानदार शहर का आयोजन करने का ये फैसला मतलब किया गया था, तो जो कि हर साल मतलब आपको ये सेलिब्रेट भी किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हो रहा है इसका, ओके मित्रों, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है नाम। सवाल नंबर 16, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप किस नाम से इंटरसेप्टर बोट चेन्नई में कमीशन की है? इन व्हाट नेम वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमीशन्ड इंटरसेप्टर बोट इन चाइना चेन्नई, याद रखेंगे, चेन्नई में कमीशन किया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है
ICGS C4453, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस नाम से जी दोस्तों शिप को इंडिया कोस्ट गार्ड में जी हाँ शामिल किया गया, ये चेन्नई तमिलनाडु कमीशन किया गया इसको, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सवाल तमिलनाडु से बना है तो इसका कैपिटल सिटी है दोस्तों चेन्नई, इसके गवर्नर और यहाँ पे क्या, तो सीएम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सीएम और गवर्नर का नाम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 दोस्तों, पूर्वी नौसेना के कमान के ईस्टर्न फ्लाइट के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? हु वाज द अपॉइंटेड एज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द ईस्टर्न फ्लाइट ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? जी हाँ, ये रियर एडमिरल तरुण सोबती, जी हाँ दोस्तों, आंसर हमारा सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ईस्टर्न फ्लाइट भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा है, और वही रियर एडमिरल तरुण सोबती जो है विशाखापट्टनम नौसेना के कमान तथा एडमिरल संजय वात्स्यायन की जगह अब लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 जुलाई सन 1988 को भारतीय नौसेना का कमीशन किया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा 1988 या 1 जुलाई, क्योंकि देखिए आजकल एग्जाम में क्या है ना कि डेट पूछे जा रहे हैं, तो इस पे फोकस करना हमारा जरूरी है, डेट को भी लिखेंगे साइड में, नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग, ठीक है। एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी में डेट डेट वाले सेक्शन को नोट करते चलिए, धीरे धीरे करके वो बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बन जाएगा, लेकिन जब आप उसका रिविजन करेंगे तो तुरंत उसको कवर भी कर लेंगे। सवाल नंबर 18 फिर से एक क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया? विच एक्टर वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? बिल्कुल आंसर करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। वहीं पर बेस्ट सीरीज एक्टर बॉबी देओल को दिया गया, जी हाँ दोस्तों, बेस्ट वेब सीरीज एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को दिया गया, और बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 को दिया गया, और बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु को दिया गया। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, ये दिया गया दोस्तों क्यों, तो बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर में अक्षय कुमार और बेस्ट फिल्म में तानाजी को दिया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे, किस केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया है? इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज द न्यू सेंटर ओपन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? बिल्कुल गोवा इज द राइट आंसर, बी गोवा इज द राइट आंसर। इस साल बता दें आपको 27 जून को होने वाली है प्रारंभिक परीक्षा, इस केंद्र में आयोजित कराई जाएगी, जी हाँ दोस्तों। अभी यूपीएससी का फॉर्म आया है ना, यूपीएससी का फॉर्म जिनको भरना भर दीजिएगा, आईएएस का और आईएफएस का यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है, जिसका मैंने सारा विवरण जो है एजुकेशन की 86 पे दिया भी है, जाके आप चेक कीजिएगा, टोटल 822 पदों की वैकेंसी है, ठीक है। तो गोवा में होने वाला है, तो गोवा की राजधानी पणजी होती है, लिख लीजिएगा मित्रों, पणजी होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और क्लियर कर दें, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, कौन है प्रमोद सावंत दोस्तों, गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर होते हैं ये। सवाल नंबर 20, दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिल्कुल अहमदाबाद इज द राइट आंसर, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है दोस्तों, याद रखेंगे, और ये वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी इसको जाना जाता है। मोटेरा स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जल्दी शुरू भी होने वाला है, आप लोगों को पता है हो रहा होगा, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम में लगभग 1,10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भाई, वो बहुत ही ज्यादा चर्चित था ये नरेंद्र मोदी को भी लेकर, ठीक है। तो अहमदाबाद आपको ध्यान रखना होगा, और गुजरात, गुजरात जो है दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी गांधीनगर होती है, ये लिख लीजिएगा, और यहाँ के सीएम कौन है, तो ये है विजय रूपानी, याद रखिएगा, और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो ये तीनों स्टैटिक पार्ट भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी है? बिल्कुल आंसर करेंगे जैस्मिल हैरिसन, जैस्मिल हैरिसन। देखिए ये सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, और स्टैटिक जीके है ये सारे के सारे, तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा तो
परीक्षा बहुत आराम से निकलेगा भाई। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको भाई? बिल्कुल आंसर करेंगे अंजनी भारद्वाज को। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। अंजनी भारद्वाज कौन है? तो ये हैं दोस्तों, जी हाँ, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार इनको दिया जाएगा। 12 व्यक्तियों को चुना गया जिसमें कि अंजनी भारद्वाज भी शामिल है। ठीक है, और ये अवार्ड दोस्तों देखो अमेरिका दे रहा है। जो बाइडेन के प्रशासन में भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, और अपने 48 वर्षीय उम्र में उन्होंने भारत में सूचना और अधिकार को लेकर सक्रिय सदस्य भी योगदान का भी यहाँ पे कार्य किया इन्होंने। ओके, अंजलि भारद्वाज। सवाल नंबर 23 दोस्तों, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? बिल्कुल, इट्स अ नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसी बैंक बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए सवाल जुड़ा है आईसीआईसी बैंक से, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इट्स अ मुंबई इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो बिल्कुल बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, संदीप बख्शी। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे, बैंक इंपॉर्टेंट है। तो किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो आईसीआईसी बैंक ने किया है दोस्तों, और इसके लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीएससीएल के साथ समझौता भी किया गया है। सवाल नंबर 24, पुलिस ने महिला कमांडो को स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है? बिल्कुल, उत्तराखंड। विच स्टेट बिकम द फोर्थ स्टेट इन द कंट्री टू इंक्लूड द वुमेन कमांडो स्क्वाड? तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बेबी रानी मौर्या यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और देहरादून यहाँ की कैपिटल सिटी होती है, और रायसेन रायसेन है ना, रायसेन जो है यहाँ की कैपिटल सिटी भी होती है, ध्यान रखेंगे। अब बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड की पहली महिला कमांडो फोर्स को भी शामिल कर दिया है। सवाल नंबर 25 जो कि आज का आखिरी सवाल है। बिल्कुल दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष रोवर और परसरवेंस ने मंगल ग्रह से 10 सेकेंड का पहला ऑडियो संदेश भेजा है? बिल्कुल, विच कंट्री स्पेस रोवर परसरवेंस सेंड द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑडियो मैसेज फ्रॉम मार्स? देखिए मंगल ग्रह से बात होना शुरू हो चुका है, तो ये दोस्तों अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। किस कंट्री का स्पेस है? तो ये अमेरिका का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिशन में कैमरा, माइक्रोफोन और सेक्शन इंजीनियर के डेव ग्रुवेल के अनुसार 10 सेकेंड के लिए क्लिप में भी बहुत धीमी और मामूली आवाज सुनाई सुनी जा सकती है। दोस्तों ये कारनामा किया है यहाँ की एजेंसी यहाँ जो कि नासा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ होता है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी, याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको मैंने वो सारे स्टैटिक पार्ट के जीके करवाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइएगा, और जल्द ही आप लोग के लिए क्यूज सेक्शन के लिए मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसपे कि आप भी आइएगा और आप भी क्यूज दीजिएगा वहां पर। एजुकेशन कैटेसिस के नाम से ही बन रहा है, और वहां पे आपको अपना स्कोर भी पता लग सकेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।